दोस्तों, स्वागत है आपका डीआर स्टडी पॉइंट में। चलिए आज हम लोग फिर से डीआई का सेशन शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो लोग नए हैं, इस डीआई की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में अटैच्ड है, आप चाहो तो वहां से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि ये पीडीएफ आप तक व्हाट्सएप पे डायरेक्ट पहुंचे बिना किसी ग्रुप के माध्यम से, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। हमारा व्हाट्सएप चैनल, सारा चीज हमारे पीडीएफ में बताया गया है, आप डिस्क्रिप्शन में भी पढ़ सकते हो, सारी चीजें आपको बताई गई है। ठीक है, तो बिना देरी के शुरू करते हैं। एज इट इज डीआई का जो ग्राफ है, उस ग्राफ को मैंने अभी दिख रहा है वो गायब हो गया। अब वही इस ग्राफ का यहाँ पे जो है ये चार्ट दिखा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या दे रखा है कि लाइन ग्राफ बिलो शोज द परसेंटेज इंक्रीमेंट ऑफ नंबर ऑफ पैसेंजर फ्रॉम ऑन ट्यूजडे फ्रॉम मंडे, मतलब मंडे से ट्यूजडे 15% का इंक्रीज हुआ। और अगला लाइन ग्राफ में जो दे रखा था वो था 25% का इंक्रीज, जिसको मैंने टेबुलर फॉर्म में तुम्हें यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, अब इसी बेसिस पे तुम्हारा वहां पे क्या दे रखा है कि टोटल पैसेंजर जो दे रखा है वहां पे तुम्हारा, वो जो है वो मेल पैसेंजर, फीमेल पैसेंजर और चाइल्ड पैसेंजर मिला के आ रहा है। ठीक है, तो टोटल पैसेंजर कहां से आ रहे हैं, मेल प्लस फीमेल प्लस में चाइल्ड। अब इसी के बेसिस पे देखो हम लोग सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। एक चीज और ध्यान में रखो कि अगर हम लोगों को मंडे का दिए हुए रहे और डायरेक्ट ट्यूजडे का पूछे है, तो यहाँ 115 का इंक्रीज करेंगे, 125 का। इसके अलावा हम इन दोनों पे सक्सेसिव लगा के भी डायरेक्ट एक बार में जा सकते हैं, इस चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है, चाहे उल्टा जाना हो चाहे सीधा जाना हो, मंडे से ट्यूजडे और वेडनेसडे से मंडे से वेडनेसडे और वेडनेसडे से मंडे आना हो, तो इसे हम लोग एक बार में कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं क्या करना है हम लोगों को। बोल रखा है सवाल में क्या, इफ रेशियो ऑफ टोटल मेल, ठीक है, रेशियो दे रखा है टोटल मेल फीमेल चाइल्ड पैसेंजर इन ट्रेन पी ऑन वेडनेसडे। ठीक है, ट्रेन पी का वेडनेसडे का जो कहा रेशियो दे रखा है वो क्या दे रखा है, 10:8:5। ठीक है, मेल फीमेल एंड चाइल्ड का। फिर क्या बोल रहा है, टोटल मेल पैसेंजर ट्रेवलिंग ऑन वेडनेसडे इज 750। वेडनेसडे को पी में जो टोटल मेल पैसेंजर ट्रैवल कर रहे थे वो थे 750। अब तुम यहां पे ध्यान दो कि ये तो वेडनेसडे की कहानी है, यानी कि 10 का मान 75 के बराबर है, तो हम लोग यहाँ पे 1 का मान हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 75। अब अगर हम लोग टोटल में 75 को इंटू कर देंगे तो ये हमारा टोटल क्वांटिटी निकल जाएगा कब का, वेडनेसडे का। तो यहाँ पे तुम देखो 8 5 हमारा 13 13 10 23, यानी कि टोटल वेडनेसडे को कितना है, 23 × 75 है। अब इसके बेसिस पे हम लोग मंडे पे भी आ सकते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या है, 15% और 25% है इंक्रीमेंट के साथ। अब अगर तुम इसको कुछ इस तरीके से लिखोगे मंडे के लिए 23 × 75 और गुने में 100/125 और गुने में 100/115, तो ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल नहीं हो सकता है। ठीक है, या फिर तुम इसे आसानी से काट सकते भी हो, तो ये तुम्हारा जो है मंडे का निकल जाएगा। इसके अलावा एक और तरीका क्या है, एक तरीका तो ये है मंडे का निकालने का, ठीक है, एक तरीका क्या है, हम इन दोनों का सक्सेसिव निकाल देंगे और मंडे से वेडनेसडे का डायरेक्ट इंक्रीज हम लोग उस तरीके से भी सॉल्व करके ला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ सब तुम देखो 23 से काटोगे तो 23 से कट जाएगा ये 5 बार में, 25 से 3 बार में, 25 से 5 बार में, 5 × 5 = 25 होता है, 25 से कट जाएगा ये 4 बार में, यानी मंडे की जनसंख्या निकल के आ गई तुम्हारी कितनी, 1200। ठीक है, आगे देखो आगे क्या बोल रहा है, 750 विच इज 5/3 ऑफ द टोटल मेल पैसेंजर ऑन द सेम ट्रेन ऑन मंडे। मंडे को जो मेल है उसका 5/3 है हमारा 750, तो 5 से काट दोगे 15 बार में और गुना कर दोगे तो मेल निकल के आ जाएगा तुम्हारा 450। ठीक है, मेल 450 जब निकल के आ गया तुम्हारा, तो तुमसे पूछ क्या रखा है सवाल में, पूछ रखा है देन टोटल मेल पैसेंजर ट्रैवलिंग ऑन ट्रेन पी मंडे इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल पैसेंजर, मतलब परसेंटेज मेल निकालना है। तो परसेंटेज मेल जब हम लोग निकालेंगे तो मेल हमारा है टोटल 450, बटे में हो जाएगा हमारा 1200, गुने में क्या कर दो तुम 100 कर दो। बस इसी चीज को तुम्हें क्या करना है, सॉल्व कर देना है, यहाँ से काट दो इधर 15 से इसे काटोगे तो 15 से कट जाएगा तुम्हारा 8 बार में, 15 से कट जाएगा ये 3 बार में, 3/8। अगर तुम्हें फ्रैक्शंस याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो कर लो, ये सब फ्रैक्शंस जो है ना बहुत रिपीट होने वाले फ्रैक्शन है। 1/8 12.5% होता है, तो 3 गुना करेंगे तो ये देगा 37.5%, और यही हमारे इस सवाल का आंसर है, 37 पॉइंट में कितना, 5%। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला देखो क्या है,
अगला देखो क्या बोल रहा है, इफ आउट ऑफ टोटल पैसेंजर ट्रेवलिंग ऑन ट्रेन टी ऑन मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे, ठीक है, मंडे ट्यूजडे और वेडनेसडे को ट्रेन टी की कहानी है, हमारी जो कहानी है वो ट्रेन टी की है, मंडे का, ट्यूजडे का एंड वेडनेसडे का, ठीक है। तो अगर हम मंडे को टोटल मान लें 100, तो 25% बढ़ के वो कहाँ चला जाएगा, ट्यूजडे में, फिर इसका 20% बढ़ाएंगे, तो 20% होता है 1/5, और 1/5 जब हम लोग इसका निकालेंगे 125 का, तो वो हो जाएगा 25, यानी बढ़ के यहाँ पे कितना हो जाएगा 150। देखो ये सारी चीजें जो है ना, ये तुम्हें दिमाग में कैलकुलेट करनी होगी, तब जाके तुम एग्जाम में, खास करके मेंस में, अच्छा स्कोर कर पाओगे। अब तुम इसी चीज को ऐसे लिखोगे कि 125 गुने में 120 बाई में 100, या फिर इसको तुम ऐसे लिखोगे 125 प्लस में 125 का 20 बाई में 100, तो ये सारी चीजें जो है ना तुम्हारे लिए वो क्या हो जाएंगी, मतलब वो टाइम टेकन हो जाएंगी, ठीक है। तो इन सब चीज को हम लोग जो है फॉलो नहीं करेंगे, हम लोग जो सीधा सीधी स्टेप्स है वो स्टेप को हम लोग क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं क्या, देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है, आगे आगे बोल रखा है इसी में कि 30-35%, 20% और 30% जो थे वो चाइल्ड थे, तो चाइल्ड की संख्या हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। चाइल्ड की संख्या कैसे निकलेगी हम लोगों की, यहाँ से चाइल्ड हम लोग का निकल जाएगा कि मंडे को जो था वो 3500 का 35% हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 35, ठीक है। फिर अगला देखो, ट्यूजडे में 20, फिर हम लोग यहाँ पे दिमाग में 20% 1/5, 125 का 1/5 करेंगे तो ये हमें क्या देगा, 25 दे देगा, ठीक है। फिर अगला देखो, अगला हम लोग का क्या है, फिर हम लोगों का बोल रहा है 30%, 150 का अगर हम लोग 30% करते हैं, 150 का 30% हमारा हो जाएगा 45 में, ठीक है। तो यहां तक हम लोग का क्लियर हो गया, चाइल्ड भी निकल गया। अब आगे देखो क्या बोल रहा है, एवरेज टोटल चाइल्ड पैसेंजर ऑन मंडे ट्यूजडे एंड वेडनेसडे इज 630, मतलब एवरेज जो है वो है 630 गुने में 630, तो सम कितना हो जाएगा, 630 गुने में 3 हो जाएगा हमारा सम। जब सम हम लोग का निकल गया, तो अब यहां से हम लोग रिलेट करेंगे, यहाँ पे तुम देखो 35 और 25 जब तुम ऐड करोगे तो 60, 60 और 45 ऐड करोगे तो 105, यानी इसी 105 की जो वैल्यू तुम्हें दी हुई है, इसी 105 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 630 गुने, यहाँ से काट दोगे तुम इसे तो 6 बार में 1 की वैल्यू निकल के आ गई कितनी, 18 निकल के आ गई। 1 की वैल्यू जब तुम्हारी 18 निकल के आ गई, तो तुमसे क्या पूछ रखा था सवाल में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ टोटल पैसेंजर ट्रेवलिंग ऑन ट्रेन ट्यूजडे एंड वेडनेसडे, ट्यूजडे और वेडनेसडे में कितने का डिफरेंस है हमारा, 25, मतलब हमको 25 यूनिट का जो है वो क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। तो 25 यूनिट जब हम लोग निकालेंगे तो 25 क्या हो जाएगा, 25 × 18। अब देखो फिर से यहाँ पे एक चीज हम लोग दिमाग में करेंगे कि 25 × 18 लिखना उखना कुछ नहीं है, 25 × 20 कर दो, टोटल 25 × 20 500 होगा, 25 × 2 तुमने ज्यादा कर दिया, 25 × 2 50 होता है, 500 में 50 घटा दो, कितना निकल के आ गया, 450 निकल के आ गए, और यही हमारा आंसर है 450 इस सवाल का आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लियर होगा। चलो अगला देखो क्या है, टोटल पैसेंजर ट्रेवलिंग ऑन मंडे ऑन ट्रेन क्यू इज 200 मोर देन दैट ऑफ ट्रेन आर, ठीक है, मतलब मंडे का कहानी दिया हुआ है क्यू और आर का, कि आर से जो है ये 200 ज्यादा है, ठीक है, तो कर दिया 200 ज्यादा हम लोगों ने। फिर क्या दे रखा है आगे सवाल में, हम लोग का टोटल पैसेंजर ट्रैवलिंग ऑन ट्यूजडे ऑन क्यू इज 400 मोर देन दैट ऑफ आर, ठीक है, तो ट्यूजडे का भी कहानी दिए हुए है क्यू और आर में, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि आर से जो है ये 400 अधिक है, ठीक है, बस इतना ही दे रखा है। अब देखो तुम्हें एक्स वाई के वैल्यू ना एकदम चुटकियों में निकाल सकते हो, यहाँ पे तुम देखो क्या, मंडे को एक्स था, यहाँ पे आर हो गया, ठीक है, आर का कहानी मंडे से ट्यूजडे 20% होके जाता है, यानी कि x में 20% का इंक्रीज करेंगे तो 6/5 उसको लिखेंगे, बराबर में हमारा क्या हो जाएगा भाई, यहां से हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं x बटे y की रेशियो 5/ में कितना लिख सकते हैं 6। अब यहां से देखो इसके बाद क्या है, जब एक्स वाई की रेशियो निकल गई, उसी तरीके से क्यू में आ जाओ, क्यू में जब तुम आओगे तो एक्स प्लस 200 है तुम्हारा, और ये क्यू मंडे से ट्यूजडे जाने में 30% का इंक्रीज हो रहा है, तो 130/100 कर दो, ठीक है, और यहां से तुम इसे क्या कर दो, y प्लस में कितना कर दो, 400 कर दो। अब इसको तुम a मान लो, इसको भी a मान लो, ठीक है। अब देखो यहां पे ना जो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग एक बार में सीधा सीधी आंसर की ओर पहुंचेंगे, ठीक है, 5 है तो 5 है, a यहां रखेंगे, x की वैल्यू 5 रख देंगे, 13 × 5 कितना हो जाएगा, 65, ठीक है,
y का वैल्यू हम लोग यहाँ पे 6 रखेंगे तो 10 इंटू 6 कितना हो जाएगा 68, ठीक है। 65 में 60 चला जाएगा, यानी कितना बचेगा हमारा 5a बच जाएगा। अब इधर आ जाओ, 13 दुना कितना हो जाएगा 2600, और 4 गुने करोगे तो कितना हो जाएगा 4000, तो 2600 में जब तुम 4000 घटाओगे तो ये तुम्हें देगा कितना 1400 दे देगा। इसे एक लाइन में करना है हम लोगों को। अब यहाँ से काट दो, ये तुम्हें दे देगा 280, ठीक है। तो 280 हो गया हम लोगों का ए का वैल्यू। अब ए जब निकल गया हम लोगों का, तो ए से हम लोगों का क्या हो गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। अब जो पूछ रखा है सवाल में उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम कर लेंगे। क्या पूछ रखा है देखो हम लोग का सवाल में, हम लोग का पूछ रखा है कि द रेशियो ऑफ द मेल फीमेल एंड चाइल्ड पैसेंजर ट्रेवलिंग ऑन ट्रेन क्यू ऑन ट्यूजडे 6:4। मतलब इसकी रेशियो जो दे रखी है 6:4:3 दे रखी है, मेल फीमेल एंड चाइल्ड की, ठीक है। तो ये तो हम लोग का यहाँ से मेल फीमेल और चाइल्ड दे रखा है। अब क्या बोल रहा है, टोटल फीमेल ट्रेवलिंग ऑन इन ट्रेन क्यू इज 33, ट्रेन क्यू में ट्यूजडे को, ठीक है। मतलब इसी का ये जो है, ये 4 जो है 33 whole 1/4% अधिक है, किससे अधिक है, मंडे से, ठीक है। अब तुम अगर यहाँ पे थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस यूज करोगे तो बड़ा ही आसानी से तुम्हारा आंसर निकल जाएगा। तुम देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या है, 33 whole 1/3% अधिक का मतलब क्या है कि 1/3 फ्रैक्शन से अधिक होगा। अगर कोई वैल्यू 3 होगी तो वो बढ़ के कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। यहाँ पे ऑलरेडी 4 दे रखा है, तुम्हें क्या निकालना है, 3 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब तुम यहाँ से तुलना करने के लिए निकल जाओ। अब तुम यहाँ पे इस वाले वैल्यू में आओगे तो इस वाला वैल्यू तुम देखो कैसे निकालोगे, 280 है तुम्हारा यहाँ पे, y में जब तुम पुट करोगे तो तुम्हारा हो जाएगा 280, यहीं पे पुट कर लेते हैं, 280 गुने में 6 और प्लस में क्या हो जाएगा तुम्हारा 400 हो जाएगा, ठीक है। गुना कर लो यहाँ पे 0 8 6 48 का 6 8 6 48 का 8, ठीक है, और 4 हाथ में 6 2 12 4 16, ठीक है, और प्लस में 400 कर दोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 2080, ठीक है। यानी कि Q की जनसंख्या तुम्हें निकल गई 2080, जो कि किस रेशियो में डिवाइडेड है, 6:4:3 में डिवाइडेड है। 6 4 10 3 13 का मान तुम्हें दिए हुआ है, तुम्हें निकालना किसका है, 3 का मान निकालना है। तो यहाँ पे तुम देखो 13 का मान ये दिए हुआ है तुम्हारा, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सीधा सीधी अभी तक में हम लोगों ने जितना भी चीज पढ़ा इसको हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे, 13 से यहाँ से इसको डिवाइड दे देंगे, ठीक है। और साथ ही साथ हमको 3 की वैल्यू निकालनी है तो 3 से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे, 13 से डिवाइड दे दो, 13 से कट जाएगा, देखो तुम्हारा एक बार में ये 13 कट जाएगा, तुम्हारा बचेगा कितना 7 78 78, 13 से 6 बार में कट जाएगा यानी 16, और 16 160 गुने 3 जब करोगे तो ये तुम्हें 480 ला के देगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा इस सवाल का, 480 ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो चीजों को देखो ज्यादा ना तुम ताम झाम मत करो, इसको एकदम लिखे, एक स्टेप बाय स्टेप लिखने में, स्टेप बाय स्टेप जस्ट टाइम खाता है हम लोगों का, चीजों को दिमाग में करना सीखो, बड़ा ही आसान हो जाएगा सवाल को सॉल्व करना, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो क्या है हम लोगों का, नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है हम लोगों का, नेक्स्ट बोल रखा है हम लोगों का कि रेशियो ऑफ टोटल मेल पैसेंजर ट्रेवलिंग ऑन एस ऑन मंडे ट्यूजडे एंड वेडनेसडे, ठीक है, मंडे ट्यूजडे एंड वेडनेसडे। मेल पैसेंजर का रेशियो दे रखा है, यहाँ पे हम लोग मेल फीमेल एंड चाइल्ड में आ जाते हैं। मेल का रेशियो है 125x, यहाँ पे है तुम्हारा 216x, और यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं 144x, ठीक है। फिर इसके बाद देखो क्या दे रखा है, फिर बोल रहा है कि फीमेल का जो है 25 24, तो इसको मान लो 25y, इसको मान लो 24y, और इसको मान लो 36y, ठीक है। फिर अगला देखो चाइल्ड का भी दे रखा है, इसको मान लो 25z, इसको मान लो 16z, और इसको मान लो 36z, ठीक है। इतनी कहानी तुम्हें दे रखी है। इसके बाद क्या दे रखा है, डिफरेंस बिटवीन द टोटल पैसेंजर ट्रेवलिंग ऑन ट्रेन एस ट्यूजडे एंड वेडनेसडे इज 180। ट्यूजडे और वेडनेसडे को जो ट्रेन का पैसेंजर ट्रैवल कर रहे थे उनका अंतर जो है 180 है। तो अगर हम लोग यहाँ पे एस का मंडे को मान लेते हैं 100, ठीक है, मंडे को मान लेते हैं 100, तो 20% इंक्रीज करके ट्यूजडे को कितना हो जाएगा 20, 10% इंक्रीज करेंगे तो वेडनेसडे को कितना हो जाएगा 12 का 10% इंक्रीज 132 हो जाएगा, ठीक है। 132 जब तुम्हारा हो गया, 12 का 10% 132 जब हो गया तुम्हारा,
तो ट्यूसडे और वेडनेसडे का जो अंतर है यानी इस 12 का मान जो है तुम्हें दे रखा है कितना, 180 दे रखा है। 12 का मान जब तुम्हारा 180 है तो एक का मान कितना हो जाएगा तुम्हारा, 15 हो जाएगा। ठीक है, जब 15 हो गया तो यहाँ पे ये 15 से मल्टीप्लाई, ये भी 15 से, ये भी 15 से मल्टीप्लाई। अब जहां जैसा जरूरत पड़ेगा हम लोग वहां वैसा करते चले जाएंगे। ठीक है, अब तुम यहां से एक चीज कॉमन सा देखो कि ये सभी मेल जो है, मेल फीमेल और चाइल्ड, मंडे का जो है जोड़ के वो कितना है तुम्हारा, 100 गुने में 15 है। ठीक है, ट्यूसडे का जो है वो 120 गुने में 15 है और यहाँ इसमें आओगे तो ये 132 गुने में 15 है। ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, यहाँ पे कैलकुलेशन दिख रहा है बहुत बड़ा है, देखो जिसको हम लोग कैसे टैकल करते हैं। अगर हम यहाँ से काटना शुरू करें तो 25 से एक बार में, 25 से एक बार में, 25 से ये कट जाएगा 5 बार में। ठीक है, तो यहाँ से ये 25 से कट जाएगा 4 बार में। ठीक है, तो यहाँ से एक इक्वेशन निकल के हमारा क्या आ गया, 5x प्लस में y प्लस में z इज इक्वल टू 60 निकल के आ गया। ठीक है, अब तुम थोड़ा सा ध्यान देखो इस वाले वेडनेसडे में, यहाँ भी 36 36 है, वाई जेड का एक कॉम्बो बनेगा जो कि आगे जाके कट जाएगा, तो यहाँ पे तुम काटने का कोशिश करो। ठीक है, यहाँ पे तुम काटोगे तो 36 से 1 36 से 1 36 से ये 4 बार में तो कट जाएगा। क्या इधर 36 से कटता है, तो इधर भी क्या करो तुम 36 से पहले काट के चेक कर लो। ठीक है, तो 3 से काटोगे तुम, 3 से कट जाएगा 12 बार में, 3 से कट जाएगा 5 बार में, 12 से काटोगे 11 बार में, 11 5 55 आ गया, 36 36 और 4 यहां से खत्म हो गया। तो यहाँ लिख दो 4x प्लस में y प्लस में z बराबर में हो गया 55। मुझे नहीं लगता आगे कुछ लिखने का जरूरत है, विद द हेल्प ऑफ दिस टू x बराबर में हम लोगों का क्या निकल के आ जाएगा, 5, और यही हम लोगों का यहाँ से रिलेशन है yz, तो यहाँ से खत्म हो गया, यहाँ से x, यहाँ से कितना 5, x की वैल्यू निकल के आ गई 5। ठीक है, अब इस वाले में आ जाओ तुम, इस वाले में तुम क्या कर सकते हो, मैक्सिमम तुम कितना कॉमन ले सकते हो, 8 कॉमन ले सकते हो। ठीक है, तो 8 जब तुम कॉमन लोगे तो 8 से काट दो इसे 2 बार में, ठीक है, 8 से काट दो इसे 3 बार में, और 8 से जब तुम इसे काटोगे तो 8 से ये 200 कट जाएगा तुम्हारा 25 बार में और 2 27 बार में। ठीक है, हाँ 27 बार में, तो 27x हो गया तुम्हारा यहाँ पे। ठीक है, इतनी कहानी तो हम लोगों की खत्म हो गई, और 8 से जब इसे काटोगे तुम तो 8 से ये कटेगा 15 बार में। ठीक है, तो यहां से तुम्हारा क्या निकल के आया है, एक इक्वेशन 27x प्लस में 3y प्लस में 2z इज इक्वल टू 225। ठीक है, अब हमारे पास x मालूम है, हम लोग क्या करते हैं x को लेके हम लोग y और z को किसी एक को एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा हमारा y एलिमिनेट हो जाएगा, 5 दिया का कितना हो जाएगा हमारा 15x, 3y और प्लस में कितना हो जाएगा 3z बराबर में हो गया हमारा 180। ठीक है, तो ये खत्म हो गया। अब यहां से देखो क्या है, 27 में 15 चला जाएगा तुम्हारा, तो 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, x का मान 5 है तो 12 5 60 लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे तुम जब घटाओगे तो 2 में ये चला जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे तुम्हारा माइनस में क्या बचेगा, z बचेगा इज इक्वल टू, इधर आ जाओगे तुम यहाँ पे तो इधर तुम्हारा बच रहा है 45। ठीक है, तो 12 5 60 z में 45, 60 में 45 चला गया, तो z की जो वैल्यू निकल के आ गई वो निकल के आ गई तुम्हारी कितनी, 15 निकल के आ गई। ठीक है, जेड भी निकल के आ गया हम लोगों का, जेड जब निकल के आ चुका है हम लोगों का, तो उसके बाद हम लोग सीधा सीधे हमको किसको निकालना है, वाई को निकालना है, आसानी से निकाल सकते हैं, 5 5 का कितना होगा 25। ठीक है, यहाँ पे जेड का मान 15 रख दो, 15 और 25 जब करोगे तो 40 हो जाएगा, तो वाई की वैल्यू ऑटोमेटिकली हम लोगों की क्या निकल के आ गई, 20 निकल के आ गई। वाई जब 20 निकल के आ गया हम लोगों का, तो अब सवाल में क्या पूछ रखा है ये देखो, What is the ratio of the male, female and child passenger traveling on train S on Tuesday? Tuesday को train S में male, female और child का तुम्हें क्या निकालना है, ratio निकालना है। ठीक है, तो इतनी कहानियां जब आ गई हम लोगों के पास, तो हम लोग थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, यहाँ अपना जगह बना लेते हैं। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम कर लेंगे। अब यहाँ पे देखो, तुम्हारा ट्यूजडे को 216x था, जिसमें 5 गुना कर दो, इसका रेशियो निकालना है, 24 गुने में तुम 20 कर दो, इसका रेशियो निकालना है, और जहां से तुम क्या कर सकते हो, 16 गुने में क्या कर दो तुम्हारा, जेड है, जेड का मान कितना है 15। तो अब काटना शुरू करते हैं, 8 से काट दो 27 बार में, 8 से काट दो 3 बार में, 8 से काट दो 2 बार में। ठीक है, फिर और भी कटेगा, 3 से काट दो 5 बार में, 3 से काट दो 3 बार में, 3 से काट दो 9 बार में। ठीक है, और भी कुछ कट रहा है क्या हम लोग का, हाँ बिल्कुल कट रहा है, 5 से कट रहा है 4 बार में, 5 से ये खत्म हो जाएगा, फाइनली क्या है हम लोग इंडा है 9 4 और
दो पे इंडा है, और यही हमारा इस सवाल का आंसर है, 9:4:2 आंसर हम लोगों का आ गया। ठीक है, चलो अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल देखो क्या हम लोगों का, चलो देखो क्या, रेशियो ऑफ टोटल मेल फीमेल एंड चाइल्ड पैसेंजर ट्रेवलिंग ऑन ट्रेन आर ऑन ट्यूजडे इज 4:4। ट्रेन का आर का ट्यूजडे में जो रेशियो दिए हुए है वो रेशियो दिए हुए है कितना, 4:3:2। ठीक है, एंड द डिफरेंस बिटवीन द ट्रेवलिंग ऑन ट्रेन आर ऑन मंडे एंड वेडनेसडे इज 6:84। ठीक है, आर का कहानी फिर देखो, मंडे ट्यूजडे एंड वेडनेसडे, इसको 100 मान लो, ये 120 हो जाएगा, 120 का 15% अधिक। ठीक है, तो अब 120 का 15% निकालने के लिए तुम कुछ मत करो, सीधा सीधी 120 का 15% निकाल लो। ठीक है, जो कि बड़ा ही आसानी से तुम निकाल सकते हो, 15 × 12 जग जाहिर है ये 180 होता है, और ये 0 18 खत्म हो जाएगा। तो जब तुम 120 ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 138 हो जाएगा। जब 138 हो गया तो तुम्हें कुछ डिफरेंस दिया हुआ है मंडे से वेडनेसडे का, तो ये तुम्हारा 38 है, और इसी 38 की वैल्यू तुम्हें दी हुई है, कितनी दी हुई है, 684 दी हुई है। तो 684 दिया हुआ है 38 का वैल्यू, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर तुम थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करोगे तो ये 38 दुना तुम करोगे तो ये 8 मतलब लगभग में तुम्हारा 40 × 800 के लगभग में आएगा। इसे काटने का कोशिश करोगे तो 8 से कट जाएगा तुम्हारा, 8×8=64, यानी कि ये 18 बार में कट जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 18 हो गई, किसी का भी वैल्यू निकालना है 18 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। बेसिकली हम लोग को ट्यूजडे पे आना था, तो ट्यूजडे के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 120 गुने में कितना, 18 लिख देते हैं। ठीक है, फिर क्या बोला है, व्हाट इज द टोटल चाइल्ड पैसेंजर ट्रैवलिंग ऑन ट्रेन आर ऑन वेडनेसडे व्हिच इज 15% मोर देन द टोटल चाइल्ड पैसेंजर ट्रैवलिंग ऑन ट्यूजडे। ट्यूजडे से 15% अधिक है हम लोगों का। ठीक है, तो 15% जब अधिक है हम लोगों का चाइल्ड से, तो यहाँ पे तुम देखो चाइल्ड निकाल लो, 120 गुने में 18 गुने में चाइल्ड पे जब आओगे तो 2/4 = 7, 7 × 2 = 9 हो जाएगा हमारा, और इसका 15% अधिक यानी कि 115/100 क्या हो जाएगा, 100। अब काटने का कार्यक्रम शुरू करते हैं, 2 हो गया, 2 × 4 = 4 से कट जाएगा 25 बार में, 5 से काट दो 5 बार में, 5 से काट दो 23 बार में, और फिर 5 से इसे काट दो 24 बार में, 24 × 23 करोगे तो यही तुम्हें देगा 552, और यही हमारा आंसर है 552, ऑप्शन नंबर 1 और हमारा आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये डीआई समझ में आया, डीआई समझ में आ रहा है तो वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करना है, जितने भी तुम्हारे ग्रुप से थोड़ा स्टेटस वेटस में लगा लो, थोड़ा सा हम लोगों के लिए हेल्प करो कि हम लोग का चैनल थोड़ा सा ग्रो करे, जितनी ज़्यादा लोग भीड़ आएंगे उतना ज़्यादा हम लोग मेहनत करेंगे इस चीज़ को लेकर। ठीक है, तो बने रहें हम लोगों के साथ, स्टे ट्यून्ड, अपना ध्यान रखें, थैंक यू।